ये मनुस्मृति पे इनके ग्रंथों पर जिस तरह से हमला बोला है, आक्रमण बोला है, और जिस तरह से कहा कि इनमें हमें गालियां लिखी हैं, और जिस तरीके से वो इनके विरुद्ध खड़ा हुआ है, तो अब इनकी इनकी जड़ें हिल गई हैं, क्योंकि ये उस ओबीसी समाज को अपनी ताकत समझते थे। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा ना परसों वहां पर लखनऊ में योगी को कहा कि अगर ये शूद्र समाज अगर तुम्हारी ढाल ना बने तो तुम किसी भी कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। तो ये शूद्र समाज ने जिस तरह से विद्रोह कर दिया, तो इसलिए उनको कहना पड़ा, इनको अपना अपना उसको काउंटर करना पड़ा और बोलना पड़ा कि इस बात को कोई प्रभाव पड़ेगा, जैसे कह रहे हैं कि धर्मशास्त्रों में स्वार्थ के कारण कुछ लोगों ने गलत लिख दिया है, तो क्या कोई उनके बयानों का? देखिए, हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भैया देख लो, हम अपने ओबीसी समाज के लोग जो कट्टर हिंदू बने फिर रहे थे, जो इन धर्मशास्त्रों को, इनके भगवानों को, इनके मंदिरों के चक्कर में पड़े हुए थे, हमारे SC ST के जो कट्टर बने पड़ रहे थे, हम तो कह रहे हैं देख लो भैया, जो हम कह रहे थे, अब खुद कह रहा है कि हाँ इनमें समीक्षा होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ लिखी हुई है, लालची लोगों ने कुछ अपने लालच के लिए बीच बीच में डाल दिया। वो कह रहा है कि भैया ये पहले RSS कहती थी हमारे घरों में आके कि भैया मुसलमानों ने, ये मुगलों ने बनाई जातियां, अब वो कह रहा है कि पंडितों ने बनाई जातियां। सुन लो भाई, सुन लो अपने ही लोगों से। तो हम तो वेलकम कर रहे हैं जी, क्योंकि इससे हमारे लोगों को जो सच्चाई थी वो सामने आ रही है। मोहन भागवत का भी विरोध करेंगे, ये धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह जो तमाम जो साधु संत है? देखिए, किसी का नहीं करेंगे, अब इनको तो सत्ता चाहिए, इनको पता है चाहे कुछ भी बोलो। इन्होंने कहा होगा कि जी कुछ भी बोलो, हमें 2024 की सत्ता चाहिए। क्यों? क्योंकि नया संसद बन रहा है, नया संसद में इन्होंने अंदर खाते एक नया संविधान तैयार कर रखा है, और इनका सपना अब चकना चूर होने वाला है। नई संसद में नई संविधान से शपथ लेने का इनका सपना चकना चूर होने वाला है। अब नई संसद में और बाबा साहब के संविधान से बहन मायावती जी पहली दलित प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद और आशा कि जब इनको लग गया SC ST और OBC खासतौर पर। और देखिए, पहले SC ST तो हमेशा से लड़ रहे थे इनके विरुद्ध, जो मान्यवर कांसीराम जी का मूवमेंट था, जो बहुजन मूवमेंट, वो जो पिछले 30-35 साल से चल रहा, तो बहुत बड़ा संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में एक जागरूकता आई है। लेकिन जो अभी पीछे खास तौर पर कह रहे भागवत जी, उनका स्टेटमेंट आ गया कि भैया ये जो हमारे धर्म ग्रंथ है हिंदुओं के, इनकी समीक्षा होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने उल्टा सीधा डाल दिया अपने लालच में। तो ये तो बताओ अपने जहाँ एक तरफ हमारे, हम कुछ कहें तो हमारे खिलाफ केस दर्ज कराते हैं, हमारे लोग कुछ कहें अगर उसमें कहें गाली लिखी है तो ये कहते हैं 10 लाख रुपए इसकी गर्दन काट के लाओ या हाथ काट के लाओ, ऐसे इनके साधु संत कह रहे हैं। और इनका मेन आदमी जो इनका PRSS का, वो कह रहा है कि भैया पंडितों ने जाति बनाई, वो कह रहा है कि ये जो धर्म ग्रंथ है इनकी समीक्षा होनी चाहिए, इसमें उल्टा सीधा भर दिया लालच से साधु संतों ने। तो ये देखो, ये हर तिकड़ा मकरा वो अपना रहे हैं 2024 का चुनाव जीतने के लिए। और ये और बौखला गए, क्योंकि जो अभी 3 राज्यों के चुनाव वहाँ हुए हैं और जो उपचुनाव हुए हैं उन 3 राज्यों के साथ महाराष्ट्र के, उसमें जो BJP का जो वोट शेयर घटा है, इसकी सीटें घटी हैं, और जो इसको डिफीट मिली है, ऐतिहासिक सीटें, 28-28 साल पुराने गढ़ वहाँ पर भेद गए इनके, जनता ने उखाड़ फेंका इनको। तो इसीलिए जिस तरह बौखला गए, ये सिर्फ TV गोदी मीडिया दिखा रहा जी 3 राज्यों में जीत गए। अब पता चला ये कि त्रिपुरा में जहाँ 44 सीटें थी वहाँ 31 सीट रह गई, और जहाँ पर वोट शेयर उनका 44-45% था वो 36% रह गया। और जो मेघालय में कह रहे थे जी हमारी सरकार, वहाँ पता चला 5 सीटें हैं वहाँ की लोकल पार्टी के साथ ये सरकार बना रहे हैं, उसने भी खबर आई है कल, उसने भी इनसे समर्थन वापस ले लिया, पल्ला झाड़ लिया कि हम तुम्हारे साथ सरकार नहीं बनाएंगे। और उधर वो महाराष्ट्र में हार रहे हैं, तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। अब ये देखिए, खिसिया नहीं बिल्ली खंबा नोचे, अब ये विपक्ष पे अटैक कर रहे हैं, उनको ED भेज रहे हैं, CID भेज रहे हैं। भैया आप इस पे मेहुल चौकसी को कब लाओगे भारत, ये बताओ? जो वहाँ पर किंगफिशर का मालिक जो आनंद लूट रहा है वहाँ पर, वहाँ इंग्लैंड में बैठ के उसको कब लाओगे? 300 महाचोर जो विदेश में पहुँच गए उनको कब लेकर के आओगे, जो हमारा लाखों करोड़ रुपया ले गए? और एक आदमी अकेला अडानी 13 लाख करोड़ रुपए इसने बर्बाद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट को बनानी पड़ी कमेटी, SEBI को कहना पड़ा कि इनका यहाँ पर वो दो, इनकी रिपोर्ट पेश करो। सरकार ने नहीं बनाई, भारत के सुप्रीम कोर्ट को बनानी पड़ी कमेटी। तो इसलिए देखिए, इनकी कथनी करनी में फर्क है, और इसलिए ये डिक्टेटर हैं नहीं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर माफ करना, भारत के महान संविधान में डिक्टेटरशिप की कोई जगह? जिस तरह से BBC से लेकर के और सबके ऊपर
छापे मार रहे हैं, तो उससे कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब ये सरकार की वो अब चुनाव जीतने के लिए अपने विपक्षियों के खिलाफ जो इनकी मुहिम है ईडी सीबीआई इन सबको इस्तेमाल करने की, तो ये इसमें उन्हीं का एक रूटीन एक काम है कि अपने जितने भी विरोधी हैं इनको हरास करेंगे, परेशान करेंगे, जेलों में डालने की कोशिश करेंगे और उनको तकलीफ देंगे। तो उनका ये रूटीन, ये अटैक है। अब ये पूरा डिक्टेटरशिप का चेहरा जो है, खतरनाक चेहरा अपने विरोधियों के खिलाफ अब वो सामने निकल करके आ गया है। तो इसलिए इसमें उसकी कोई वो आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इसमें मैं इसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ कि इस तरह से ये हरास कर रहे हैं और छोटे छोटे ये ढूंढ रहे हैं, कुछ छोटी छोटी बातें ढूंढ करके और ये नोटिस दे रहे हैं और ये हरास कर रहे हैं, प्रेशर में लेने के चक्कर में है कि जिस तरह से ये डिक्टेटर, उसने की थी डिक्टेटरशिप हिटलर ने, जिसको ये आदर्श मानते हैं, उसने भी अपने विरोधियों को जब सत्ता में आया था तो इसी तरह उसने ख़त्म करके और एक छत्र अपना तमाम पार्टियों को ख़त्म करके, विपक्ष को ख़त्म करके उसने अपना वर्चस्व एक तरफा बनाया था। डिक्टेटरशिप नाजीवाद उसने जो लागू किया था, वही इसको ये हिंदूवाद के रूप में लागू करना चाहते हैं और विपक्ष को ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो कोई काम है ना कुछ है, इनका एक आइडियोलॉजी है, ये हिंदू राष्ट्र बना करके मनुस्मृति इस देश पे थोपना चाहते हैं और जो कि संभव नहीं है। ये इस भारत के जो महान जो इसकी संस्कृति है, इसका चरित्र है, इसका जो इसके लोगों का जो इसका जो इतिहास रहा है, लड़ाकू इतिहास रहा है, ये सॉफ्ट भी हैं तो लड़ने में भी एक नंबर, जो इस देश के मूल निवासी जो आदिवासी हैं, जो लड़ाके हैं, तो इनको अभी शायद इस बात का पता नहीं है कि जितना ये अटैक करेंगे उतना ही मूवमेंट खड़ा होगा। छोटे पार्टी को ख़त्म करने की बड़ी साजिश है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो इन्हीं की बी विंग है, उसको तो ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं, लगातार ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं 2024 में, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी समाज के लोग जिस तरह सक्रिय हुए हैं, उस तरीके से बीजेपी का भी ये बहुत बुरा हाल हुआ है। और इस बार जो आम आदमी पार्टी चुनाव तो जीती है इसमें, ये नगर निगम में, लेकिन इसका वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ है, ये आप समझने की बात है। तो ये दोनों मनुवादी पार्टियाँ आप किसी भी तरह से, क्योंकि कांग्रेस तो आने से रही, तो दिल्ली में ये सातों सीटों के ऊपर केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को ये सिंपैथी दिलवा करके अपने छोटे भाई को ये करना चाहते हैं। खैर, ये तो ये मनुवादी भाई भाई हैं, मगर मुख्य बात ये है कि जिस तरह से ये विपक्ष को, जो खासतौर पर ओबीसी समाज के, एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लोग हैं, जिनको तकलीफ दे रहे हैं, जिनके ऊपर रेड मार रहे हैं, ये बिल्कुल ही इनकी पूरी साजिश है एससी एसटी ओबीसी के विरुद्ध। और देखो, मजे की बात ये है, ये मुस्लिमों के खिलाफ ऐलान करते हैं ना कि मुस्लिम हमारे दुश्मन है, मगर एक रेड बता दो मुझे पिछले एक साल में कि एक भी मुस्लिम एक मालदार के घर में, नेता के घर में एक छापा लगाओ, एक वहाँ के मुल्ला मौलवी के घर में छापा लगाओ। अबे भैया, सारे छापे तो इन्होंने एससी एसटी ओबीसी के घर पे मारे हैं, तो ये तो एससी एसटी ओबीसी के दुश्मन है, ये मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को। और तो और, उनके जो मदनी एंड कंपनी आकर के उनके मौलवी, वो तो जय श्री राम बोल रहे हैं वहाँ बैठ करके, वो तो उन्हीं के लोग हैं। तो ये मुझे एक बात बता दो कि ये मुसलमानों के खिलाफ भैया छापे नहीं मार रहे हैं, तो इसका मतलब ये दिखा कुछ और रहे हैं और ख़त्म किसी और को कर रहे हैं, इनके टारगेटेड जो निशाना है, क्योंकि वहाँ पर बिहार में चले जाओ तो वहाँ पर वो ओबीसी समाज है अपने लालू जी और उपो, और लालू जी झुके नहीं, लालू जी ने जेल काटी, चाहे जितनी तकलीफ सही वो झुके नहीं, वो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, एससी एसटी ओबीसी के प्रतीक हैं वो, और वो आज उनकी पत्नी को हरासमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल निंदनीय है, निंदनीय है। सर, एक आरोप पर लालू प्रसाद लगातार कई साल से जेल था, उनको जेल में जाना पड़ गया, और फिर अब इनके पत्नी को पर, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज के जो बोलने वाले, जो आवाज़ उठाने वाले, ऐसे नेताओं की आवाज़ दबाने की बहुत बड़ी साजिश है, क्या ऐसे नेताओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है? नहीं, बिल्कुल रोका जा रहा है, यही साजिश है कि अब इनको चुनौती कहाँ बन रही है। देखिए, नीतीश कुमार और वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल, वो दोनों की मिलकर सरकार हो गई, और दोनों जब मिलकर के लड़ेंगे तो आप ये देख लो कि वहाँ पर एक तरफा लोकसभा, एक तरफा इनका बीजेपी एंड कंपनी का सुपड़ा साफ होना है, वो तमाम सीटें उस गठबंधन को जानी है। तो इसी तरह से उनको अटैक कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं कि उनको प्रेशर में लिए जाए, जिस तरह से इन्होंने महाविकास अघाड़ी को, वहाँ पर शिवसेना को जिस तरह से उनका तीर कमान और उनका नाम छीन करके जिस तरह से उन्होंने उसको दिया, उसको दूसरे पक्ष को, अपने चमचे पक्ष को दिया, और जिससे कि उनका वोट मिल जाए, लेकिन वहाँ जनता तय करेगी, जनता ने तय कर दिया इनकी पूना की सीट, उसको 28 साल पुरानी इनके गढ़ को भेज दिया। ये तो अभी
टेलर है, ये अभी अभी 2024 में पूरी पिक्चर बननी है। और इन मनुवादी जितने मर्जी अभी तुम संस्थानों का कर लो, मिसयूज कर लो, कोई बात नहीं, बस ज्यादा दिन नहीं है, 6 महीने का समय और है, उसके बाद 2024 में तुम्हारा नामो निशान इस भारत की इस धरती से तुम्हारा नामो निशान, तुम्हारी विचारधारा का नामो निशान मिटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या विपक्ष के लोग ही वही बेईमान है, क्या उन्होंने चोरी की है, उन्हीं के पास धन है, उन्हीं के पास इरेगुलेटरी है, क्या इनके, जबकि देखिए उल्टा ये हुआ है, पिछले 9 साल में 32 महाचोर जो बीजेपी से, संघ से और इनसे जुड़े हुए लोग थे, इनकी विचारधारा के लोग थे, इनके पूंजीपति थे 32, इस देश को हजारों करोड़ रुपया लेकर के आज इंग्लैंड में बैठे हैं, वो चोरी कर करके भाग गए, और अभी 13 लाख करोड़ रुपए इनका बिल्कुल, जिनकी फोटो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साझा हो रही है, वो 13 लाख करोड़ रुपए डुबा करके सिंगापुर में तो बैठे हैं, भारत में नहीं आ रहे हैं, तो 13 लाख करोड़ एक आदमी ने डुबो दिए, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। और 300 और महाचोर, स्विस बैंक में अभी रिपोर्ट आई है कि 300 और पिछले 9 साल में 300 और महाचोरों ने पैसा भारत का चुरा के, भारत की महान जनता का पैसा, भारत के राष्ट्रीय पैसा चुरा करके वहां पर रख दिया है, वहां पर स्विस बैंकों में। तो और ये चौकीदार क्या कर रहा है भाई, ये चौकीदार हमारा सो रहा है, और ये चौकीदार विपक्षियों को तो पीट रहा है, उनके खिलाफ तो अटैक कर रहा है, लेकिन अपने अपने लोगों के खिलाफ नहीं कर रहा है। काला धन लेने गए चौकीदार। हाँ तो चौकीदार काला धन लेकिन क्या गए, जो इतना धन कमाया था काला, वो सब निकल गया। 13 लाख करोड़ रुपए भारत के गरीब मजदूर जनता का, भारत के सरकारी बैंकों में रखा हुआ पैसा, LIC में रखा हुआ पैसा, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, बचाते हैं, वो पैसा इसने वहां दे दिया एक आदमी को। अभी तो बहुत सारा ये गुब्बारा फूटना, अभी तो और 3-4 लोग और जमीन पर आने वाले हैं। तो देखिए इसलिए ये जो कथनी और करनी में फर्क है, और ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, देखो एक और मजे की बात, देखो सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये तो विपक्ष को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये देखो ना कि ये अपने उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं, उनको भी ये बिल्कुल ये खतरे में डाल रहे हैं। जैसे कि इनके संघ के मोहन भागवत जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि इस देश में जातियां पंडितों ने बनाई हैं, वो ब्राह्मण समाज को खतरे में डाल दिया इन्होंने सिर्फ सत्ता के लिए, और SC ST का वोट लेने के लिए, OBC का वोट लेने के लिए। और जैसे ही ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये रामचरितमानस पे जो सवाल उठे और जो हंगामा मचा, और जो ये OBC समाज है, शूद्र समाज, जिस तरह से इसने विद्रोह खड़ा करा।